नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्या। किसी ने पूछा कि क्या आयुर्वेदिक दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद बहुत बड़ा एक चिकित्सा विज्ञान है और इसमें हजारों हजारों जड़ी बूटियाँ और इतनी सारी गोलियाँ, बटियाँ, चूर्ण और फिर इतना कुछ है कि खाने से पहले डर आ जाता है कि भाई मैं इसके बारे में तो जानता नहीं, क्या इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एलोपैथिक दवाओं के भी कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, आप सब जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। तो मुझे पूछा गया कि आयुर्वेदिक दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो अगर बताइए होते हैं तो फिर हम क्या करें, क्या विधि है उन साइड इफेक्ट्स से हम घिर ना जाए। तो ये प्रश्न बड़ा वाजिब है, बड़ा जायज़ है और बड़ा जानकारी वर्धन करने वाला है। तो मुझे फिर इस पर मन में आया कि मैं इस कार्यक्रम बनाऊँ, तो आज मैं बताऊंगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो किस चीज़ के होते हैं और कितने होते हैं, और अगर किसी चीज़ के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं। ये सारे डर आपके में निकालने की कोशिश करूंगा आज। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट होता है हमारी बेवकूफ़ी का। बेवकूफ़ी मतलब हम किसी चीज़ को कितने पागलपन से करते हैं, कितने अनजानेपन में करते हैं, पूरा जाने बिना करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर किस सोर्स से हम ले रहे हैं वो चीज़। क्योंकि आजकल अखबारें, मैगजीन्स, पता नहीं कहाँ कहाँ पे भरा पड़ा है ये चीज़ें कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, ये सिर में लगा लो ये हो जाएगा, चेहरे में लगा लो ये हो जाएगा, इसको खा लो ये हो जाएगा। मैं किसी बात को नहीं पकड़ूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ों पर हम जब ध्यान देते हैं सब जगह से हमें, क्योंकि मेरा शौक है, मान लो मेरा शौक है कि मुझे अच्छी लगती है ये चीज़ें पढ़ना तो मैं पढ़ी जाऊँगा, तो हम सोर्स नहीं देखते कि इसने ये सोर्स क्या है, यानी अखबार में दे दिया है उसने सोर्स लिखा है नीचे कि नहीं, कि मैंने ये चीज़ें कहाँ से ली। या आप कई बार सोर्स ना देखें तो आप व्यक्ति देखें, व्यक्तित्व देखें कि भाई ये बता कौन रहा है, कि ऐसे ही बस किसी न्यूज़पेपर में बता रहे हैं, या न्यूज़पेपर में आपको लगेगा न्यूज़पेपर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, न्यूज़पेपर में अच्छी से अच्छी बात आपको मिल जाएगी, बुरी से बुरी मिल जाएगी, तो आप हर वक्त न्यूज़पेपर पे अंधे बनकर फेथ ना करिएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, साइड इफेक्ट्स दो तरह की, आयुर्वेद में दो तरह की एक शाखाएं हैं। शाखा नंबर एक जो है वो है, उसमें हम हरी जड़ी बूटियाँ, ताजे पत्ते, फूल, ये बना लो, इसका ये पी लो, जूस पी लो, रस पी लो, ये सब देते हैं, आप सब जानते ही होंगे कि ये कर लो वो कर लो, तो उसमें इतना साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इतनी उसमें सब साइड इफेक्ट तो अक्सर हर चीज़ जो बनी है, अगर किसी का गुड इफेक्ट है, किसी का अच्छा इफेक्ट है, तो साइड भी साथ में आना है। ये चीज़ आप मत समझिएगा कि मैं किसी चीज़ को इतना ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ कि मैं इतनी गा दूँ कि ऊपर ही चढ़ा दूँ, फिर आपको नीचे ही ना उतरा जाए। तो साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन आपको देखना है कि इस चीज़ की वजह से जड़ी बूटियाँ, पत्तियाँ, इनकी बहुत ही कम है। थोड़ी सी जानकारी ली, करना शुरू कर दो, सब कोई सूट कर जाता है। दूसरी तरफ जब गोलियां हैं आयुर्वेद की, चूर्ण है, पट्टियां हैं और भस्में, खास याद रखना ये शब्द, आयुर्वेद में एक होती भस्में, पिष्टियां, भस्में, ये भस्मों में बड़ी सावधानी रखनी होती है। भस्में, पिष्टियां, गोलियां, ये चूर्ण, ये किसी वैद्य के पास जाओ तभी खाओ। क्यों? क्योंकि आप वैद्य थोड़ी हो, मैं वैद्य थोड़ी हूँ, मैं आपको आयुर्वेद सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है, लेकिन मैं उसके अंदर ये भी चीज़ जानता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोलते जाना, इसलिए मेरी वीडियोस आप चेक करिए, मैं ज़्यादा उन चीज़ों पे आपको बताता हूँ खुले दिल से, जो मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट अगर किसी पेशेंट को नहीं भी मिला हूँ तो वो अगर करेगा तो उसको कोई खतरा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि सोर्स भी देखना है और देखना है कि सामने व्यक्ति कौन सा बोल रहा है, तो आप उस पर व्यक्ति पर अगर आप उसका समझते हैं पूरा, आपको पता है कि ये ठीक करते हैं, तो वो आपको उसकी बातों से पता चल जाए, तो आप उसको फॉलो करिए। लेकिन आपने ऐसे गलत इधर उधर नहीं जाना, भटकना नहीं, हर जगह पे आपने फेथ नहीं कर लेना है, बाद में नुकसान होता है कब, जैसे कोई भस्म है, ये भस्म घोट के खा लो, भस्म इतनी सी मात्रा में भी ज्यादा चली जाए ना नुकसान कर जाती है। क्यों? क्योंकि जहर होता है, कोई मान लो जहर है वो उसका काम है खाओ और मर जाएगा व्यक्ति, जहर, लेकिन उस जहर का काम मारना ही नहीं है, वो मारना उसकी अति है, यानी आपने जहर खा के कोई मरा, वो जहर की एक
बेवकूफी थी, मतलब उसके यूज करने का ढंग में अति थी। उसी जहर को अगर हम बहुत नपी तुली मात्रा में दें, जो मात्रा उसकी निर्धारित है, अगर उसी जहर को उतनी मात्रा में दिया जाए तो वो भीतर का जहर काट भी सकता है। कहते हैं ना डायमंड कट्स डायमंड, तो जहर का इलाज जहर से होता है। सांप काट ले ना, तो सांप काटे की दवाई जो है ना होम्योपैथी में, वो आती है, आप सब देखना उनको इंटरनेट पे सर्च करके, नाजा नाजा करके, NAZA ऐसे करके कोई एक आती है, तो वो औषधि आप देखेंगे वो सांप के जहर से ही बनती है। उसको काटने के लिए सांप के जहर से औषधि बनी, सांप के जहर का इलाज करने के लिए देखो, पर उसकी मात्रा इतनी कम होती है उसमें कि वो सूट करती है। अब आप कोई चीज को बेवकूफी से एक्सेस में लेंगे, जितना बताया गया है उतने से ज्यादा लेंगे कि मेरे को जल्दी लाभ हो जाए, तो नुकसान नहीं है, कोई भी चीज ले लीजिए आप। लेकिन अगर आप समझ के चलते हैं तो फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे फूल पत्तियां, जड़ी बूटियां, जूस आदि, इनके नुकसान नहीं होते। हाँ, बहुत ज्यादा मसालों में चले जाओ, एक्सेस में खाए जाओ, और जिस चीज का शौक बढ़ गया उसको फिर एक्सेस में करे जाओ। मैंने कई लोग देखे हैं, कई ऐसे संत महात्मा देखे हैं, मेरी माफ करना निंदा के लिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, वो क्या कहेंगे, एक कोई जड़ी बूटी उनको किसी ने बता दी और उन्होंने खाई, उनको फायदा हो गया। अब वो क्या करते हैं, अपनी संगत को वो प्रसाद के रूप में बांटनी शुरू कर देते हैं, खा लो कृपा हो जाएगी, या ऐसा हो जाएगा। या कई लोग मैंने देखे, मैंने किसी को नाम लेके, किसी के ऊपर मेरी कोई मेरी गलत भावना नहीं, लेकिन मैंने देखा है वो बांटनी शुरू कर देते हैं औषधि, कि इससे सारे बीमारियां कट जाएंगी। और सारी तो कट जाएंगी भाई, आपको समझना है कि ऐसे ब्लाइंड फेथ करके नहीं चलना, आपको औषधि है भाई जिसका काम है ठीक करना, और अगर कहीं पर ठीक है पहले से या वो चीज आपको नहीं चाहिए तो नुकसान भी कर सकती है, गलत भी कर सकती है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में लिमिटेड नुकसान है। आपको पता चल जाता है सारी चीजों में लिमिटेड नुकसान है। जैसे आपने कोई औषधि खाई, आपको अगर सूट नहीं करी तो मुंह पक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लूज मोशन आ जाएगी, ये चीजें होंगी, या ज्यादा से ज्यादा जैसे सूट नहीं करी तो आपको उसी दिन घबराहट हो जाएगी, वोमिट आ जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, कुछ ऐसा हल्का फुल्का अलार्म बज जाएगा बॉडी का, उससे आपको पता चल जाएगा मेरे को ये चीज सूट नहीं करी, है ना। तो वो एक सेल्फ अंदर का एक अलार्म है, उसको भी सुनना है। कई बार वैद्य बोली जा रहा है खाओ खाओ खाओ, पर आपको खाते ही कुछ हो गया, ऐसा गड़बड़ हो गई, तो उसको जाके बताओ कि भाई ये हुआ था, तो वो सोचेगा, अगर वो सही वैद्य है समझदार है तो वो सोचेगा। इसलिए आपको समझ के चलना। फिर भी कई बार जैसे तुलसी है, आंवला है, गिलोय है, ये चीजों का पूछने की जरूरत नहीं होती। जिस चीज के पीछे रसायन लिखा हुआ है, रसायन का मतलब होता है ये दवाई है लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, आंवला रसायन, गिलोय रसायन, या ऐसा कुछ जिसके पीछे रसायन लिखा हो सब खा सकते हैं। इसलिए कई औषधियां ऐसी होती हैं जो रेगुलर में हम बताते हैं, आंवला, गिलोय, हरड़, ये सब आम बातें हैं, ये आपने सुनी होगी, लेकिन जो रेयर हर्ब्स हैं आप ऐसे ही बस किताबें पढ़ पढ़ के मत खाते जाओ, उसका एक पैटर्न होता है। क्योंकि कई बार दो दवाइयां इकट्ठी जाएं वो आपस में लड़ पड़ती हैं। एक व्यक्ति एक औषधि का काम है डिटॉक्स करना, शरीर की आंतें साफ करना, ठीक है, आपने सारी आंतें साफ करनी है उसे। दूसरी औषधि का काम है ताकत देना। अब जब आंतें साफ करने वाली दवाई और ताकत की दवाई इकट्ठी खाओगे, वो आंतों में उसको थोड़ी पता है दवाई को कि आपने साथ में ताकत की दवाई खाई हुई है, वो तो सब साफ कर देगी, ताकत की दवाई का भी फायदा नहीं मिलेगा। ये बातें छोटी छोटी हैं, बताना फर्ज समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि आप औषधि जब लेते हैं तो नुकसान होने के लक्षण क्या है, आपको पता चल जाए कि ये लक्षण आ गया है, अब मुझे ये नुकसान कर दे, और इसको कैसे मैंने सेट करना कि ये नुकसान भी फायदे में बदल जाए। समझ की कमी होती है बस थोड़ी सी, अगर वो समझ की कमी को ठीक कर लिया जाए तो जिस औषधि ने नुकसान किया है ना, तो याद रखना वही आपको फायदा भी कर सकती है, क्योंकि उसने जाते कुछ हिलाया है अंदर, और अगर उसने हिलाया है उल्टा कर दिया है तो उसको सीधा करने की भी उसमें क्षमता है, लेकिन बस हमें लेना नहीं आ रहा, इस चीज को समझना है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।